Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com jahan par aap step by steps autocad urdu zuban mein seekh rahe hain. Dear students, jaisa ki aapko achhi tarah maloom hai, hamari 3d classes ka aagaaz ho chuka hai, yani ki 3d projects ke upar hum kaam kar rahe hain. Aaj ke is dusre pehle project ke dusre lessons ke andar main aapko bataunga ki humne pehle project ke andar kya kiya tha. Aaiye pehle dekh lete hain, main apne paas autocad open kar le. देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब से पहले मैंने कुछ ये चीजें बनाई हैं, ये नहीं कि मैंने सिंपल अपने पास वॉल ऊपर की है. अब जो नेक्स्ट जो चीज है मेरी, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर मैं इसको वायर फ्रेम में व्यू करूं, देखिए मेरे पास यहां पर विंडो थी, आपके पास इस तरह से यहां पर आपके पास ये विंडो है और यहां पर आपके पास डोर है. इसी तरह से आपके पास वेंटिलेशन वगैरह, यानी कि रोशनदान वगैरह आपने कैसे बनाने हैं, ये चीजें आज के लेसन में हमने यहाँ पे देखनी है. तो आई डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूँ आपका आज का लेसन. तो स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट से. मैं शेड के ऊपर चला गया, मेरे पास ये व्यू है. सबसे पहले बात ये है, देखें आपके जो दरवाजे वगैरह होते हैं वो 7 फिट्स तक होते हैं, लेकिन हमारे जैसे मैंने आपको लास्ट लेसन के अंदर बताया, आप जो आपके पास ये ओपन पॉइंट होगा, यहाँ पे अपने पास ड्रॉ वगैरह लाइन वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, तो आपके पास ऐसे कट्स बने हुए आ जाते हैं ये पीसेस के अंदर. अब इन कट्स को कंट्रोल कैसे करना है और विंडोज कैसे बनानी है वो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं इस कट्स को कंट्रोल कर लेता हूं, फिर इसको फिर मैं इसके पास टर्न वाले कट्स को कंट्रोल करूंगा, तो लगभग आप समझ जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. अब देखिए मेरे पास ये आगे सीधी लाइन जा रही है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, मैं अपने पास एक रेक्टेंगल उठा लेता हूं. मैंने एक कॉर्नर यहां पर क्लिक कर दिया, दूसरा कॉर्नर मैंने यहां पर क्लिक कर दिया. लेयर वही है वॉल वाली, उसी के अंदर आपने रहना है. अब देखिए स्टार्टिंग से एंड तक आ चुके हैं. अब EXT अपने कीबोर्ड से प्रेस करें या आप ड्रॉ के अंदर चले जाएं, सॉलिड रेक्टेंगल के ऊपर जाएं, उस टूट के ऊपर क्लिक कर दें, लेकिन मैं इसकी शॉर्टकट ही ऑप्शन लगाऊंगा EXT. जैसे मैंने एंटर की, कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ, एंटर कर देते हैं. हाइट मांगता है. अब यहां पर जो मैं हाइट देने जा रहा हूं वो ये है, जब हम इधर डोर बनाएंगे वो 7 फिट्स का डोर होगा मेरे पास, ठीक है. अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें, 7 फिट्स का आपके पास डोर आएगा, लेकिन आपके पास जो यहां से ऊपर तक वैल्यू है वो आपके पास 10 फुट 6 इंच है. अब मैं भूल चुका हूं अगर वैल्यू, तो फिर क्या होता है, राइट क्लिक करें, हमारे पास यहां पर ऑप्शन है इंक्वायरी, इसके ऊपर क्लिक कर दें. देखिए किसी भी टूल बार के ऊपर एक राइट क्लिक किया, इंक्वायरी के ऊपर क्लिक कर दें. अब यहां पर आपके पास इसको डिस्टेंस मालूम करने के लिए होता है. देखिए डिस्टेंस पे आ जाए, ये पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पॉइंट नीचे क्लिक कर दें, दूसरा पॉइंट ऊपर क्लिक कर दें, आपके पास यहां पर कुछ वैल्यू दिखाई देंगी. सबसे पहले तो कह रहा है आपके पास जो एंगल है इसका वो 90 है, देन आपके पास एक्स वैल्यू 0 है, वाई पे 0 था और मैंने जेड की वैल्यू ली थी, तो वो मेरे पास डेल्टा जेड क्या आ रहा है 10 फिट और 6 इंच. तो यही मैं बात कर रहा था, अगर आपके पास 7 फिट, अगर आपके पास 10 फुट 6 इंच की जगह है, उसमें से आपने 7 फिट अगर आप माइनस कर देते, यानी 7 फिट वो वाले जो डोर के साथ वैल्यू होगी, तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू आ जाती है वो आपके पास आती है 3 फुट और 6 इंच, क्योंकि 7 में से अगर आप 10 को माइनस करें, 10 में से 7 को माइनस करें 3 फुट 7, और 7 में 6 इंच को प्लस कर दें 3 फुट 6 इंच. तो हम EXT कर देते हैं इसको, कितना 3 फिट और 6 इंच, एंटर कर दें, एंटर कर दें. मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ चुका है, इसको मैं मूव करूंगा, मूव के ऑप्शन लगाएं, सिलेक्ट किया, एंटर कर दें. आप टॉप से कहीं से पिक कर सकते हैं जो आपको बेहतर एरिया दिखाई दे रहा है, और ऊपर लाके टॉप पे आप क्लिक कर दें. देखिए मैंने इसके ऊपर टॉप पे क्लिक किया, तो मेरे पास यहां पर ये ज्वाइन हो चुका है. इसी तरह से अगर आप रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं करना चाहते हो, तो आप पॉलीलाइन, यानी कि PL पॉलीलाइन, आप इसको दे दें एक पॉइंट, इसको दे दें दूसरा पॉइंट, यहां पे दूसरा क्लिक कर दिया, यहां पे तीसरा क्लिक कर दें और आगे निकल जाए. अब देखें आपको यहां पर पॉइंट ठीक तरह से कन्फर्म नहीं हो रहा, तो क्या करें, वायर व्यू में आ जाएंगे. आप वापस में इसको ड्रॉ कर देता हूं, पॉलीलाइन मैंने स्टार्ट दिया और सी से क्लोज कर दे इसे, मैं इसको सी से क्लोज कर डाला. देखिए अब EXT एंटर कर दें, 3 फुट और 6 इंच की हाइट, मैं इसे मूव कर देता हूं नीचे से बिल्कुल ऊपर टॉप तक. अब देखिए आपके पास ये कुछ ऐसे नजर आ गया. इसी तरह से अगर आप एक और मेथड है वो भी यूज कर सकते हैं, पॉलीलाइन उठाएं, और अगर आपको पॉइंट्स कंफर्म है
तो आप इधर ऊपर ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनमें से आप जो मेथड यूज करना चाहे क्लोज कर दें, लेकिन जब आप ऊपर से क्लोज करते हैं एक स्टीव 3 फुट 6 इंच, तो आप इसको माइनस में दे दें, माइनस 3 फिट और 6 इंच, तो फिर माइनस से देंगे तो ऊपर से नीचे जाएगा, तो इस तरह से आप इसे दे देंगे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जब आप इसे क्लिक करते हो तो ये अलादा ऑब्जेक्ट है और ये अलादा ऑब्जेक्ट है। अब मैंने इनको एक ऑब्जेक्ट करना है, ग्रुप करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, जरा किधर समझ लें इस चीज को। पहले मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट मैं यहां पे बना लेता हूं, मैं इसको एक को एक्सट्री कर देता हूं और इसको भी एक्सट्री कर दिया। मेरे पास ये ऑप्शन है, ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों को मैं ग्रुप करना चाह रहा हूं, तो इसके लिए आपको मॉडिफाइड के अंदर जाना होगा। आप मॉडिफाइड के अंदर चले जाए, मॉडिफाइड, सॉलिड एडिटिंग, और आपके पास जो ऑप्शन है यूनियन। यूनियन का काम क्या होता है, एक पॉइंट और दो पॉइंट इंटर करते हैं, जो चीजें आपने सेलेक्ट की हैं उनको ये ग्रुप बना देता है। देखा आपने यूनियन की, जो फिर देखिएगा आपको क्या करना है, ड्रॉ के अंदर जाना है, सॉरी मॉडिफाइड के अंदर जाना है, सॉलिड एडिटिंग के अंदर जाना है और यूनियन के अंदर आ जाए, एक क्लिक, दूसरा क्लिक, एंटर कर दें दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाने के बाद, या राइट क्लिक कर दें, देखिए आपके पास ये ग्रुप बना हुआ आ जाता है। इसकी शॉर्टकट जो है वो है UNI। अगर आप मॉडिफाइड के अंदर नहीं जाना चाहते हो तो कीबोर्ड से UNI इंटर कर दें, यानी कि यूनियन। जैसे मैंने UNI इंटर किया, अब मैं बता देता हूं मेरे पास ये पॉइंट जो है उसको इसके साथ कन्वर्ट होना चाहिए। अब देखें अब ये इसका पार्ट बन चुका है, इस तरह से आपका ये जो पॉइंट है वो इसके साथ कन्वर्ट होना चाहिए, आपका ये जो पॉइंट है इसके साथ कन्वर्ट होना चाहिए, और इसको भी अगर आप इसके साथ मिलाना चाहें तो ये आप मिला सकते हैं। देखिए अब मेरे पास मुकम्मल ग्रुप बना हुआ आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये, अगर ये आपके पास ऐसी राउंडेड शेप हो तो फिर क्या होगा। अब अगर आपके पास ये राउंड शेप है, आपने यहां बिल्कुल परफेक्ट राउंड लाना है, तो आप कैसे लाएंगे। एक तो मेथड ये होता है, आपने आर्क उठा ले, आर्क के ऊपर क्लिक किया, 1 2 और ये 3, आप इसको ऐसे पॉइंट्स देते हैं, लेकिन इसमें शायद आप आगे भी क्लिक कर सकते हैं, यहां से गलती से आपके पास आगे क्लिक हो जाए, या थोड़ा सा आप पीछे क्लिक कर सकते हैं, तो मिस्टेक होने के चांसेस है यहाँ पे। तो एक और मेथड है वो यूज कर लें, अपने पास यहां पर एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लें और आर्क द्वारा वापस ड्रॉ करें, 1 2 और ये 3, क्योंकि मैंने दोबारा आर्क ड्रॉ कर दी यहां पे। आप इसको एक्सटेंड की ऑप्शन लगाएं, EX, ये देखिए एक्सटेंड की जो की है, जो कमांड है वो आपको यहां से मिलेगी, आप एक्सटेंड की पर क्लिक कर दें या EX एंटर कर देते कीबोर्ड से। मैंने एक्सटेंड लगाया, मैंने इसको एंटर करने के बाद जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये देखें अब एंड तक ये पहुंचा ये लाइन मेरे पास। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं अपने पास एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर ली है और मैं इसको पीछे से ट्रिम कर देता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही लाइन रह चुकी है, देखिए आपके पास बिल्कुल ठीक है। ऑफसेट दे दें 9 इंच का, तो मैंने इसको 9 इंच का ऑफसेट भी दे दिया है यहाँ पे, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी, और मैं वायर फ्रेम में चला जाता हूँ, मेज व्यू में चला गया। मैंने एक लाइन उठा ली है, इसको मैं इधर तक लेकर चला गया हूँ और यहां से इसको मैं लेकर यहां तक आ चुका हूँ। कंट्रोल एस, कॉपी करें CO, एक क्लिक दूसरा क्लिक तीसरा क्लिक, उठाएं, उठाकर बाहर निकले, ये मैं इधर आ चुका। अब BO4 से बाउंड्री लगा दें या रीजेन कर दें, मैंने इसको बाउंड्री लगा दी है, देखिएगा मैंने BO पिक में गया, क्लिक किया, एंटर कर देता हूँ, EXT कर दें से 3 फुट और 6 इंच की इसे देता हूँ। देखिए मेरे पास एक और ब्लॉक बना हुआ आ चुका है। अब आप इसको यहां से डायरेक्ट व्यू पर लेकर जा सकते हैं, ये देखिए मेरे पास इधर आ गया, अब बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट्स बना हुआ है। तो UNI यूनियन का यूज करते हुए ये मैंने इनको एक कर डाला, देखें अब ये पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास एक बन चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था मेरे पास डोर को कवर करने का मेथड, यानी कि आपको डोर को टॉप से कैसे कवर करना है। अब इसके बाद आए विंडोज वगैरह में, आपको बताता हूँ कैसे बनानी है। अब वापस इस व्यू में क्लिक करें तो देखिए आपके पास विंडोज किधर बनी हुई है। अब यहाँ पे आपके पास एक विंडो बनी हुई है, अब इसको मैंने कैसे बनाना है, इसके मुख्तलिफ मेथड है। पहला मेथड क्या है, रेक्टेंगल उठा लें, एक पॉइंट इधर दे दें, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे दें, कंट्रोल एस, EXT कर दें इस पॉइंट्स को जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया है। अब विंडो की जो मैंने आपको एलिवेशन के अंदर हाइट दी थी वो होती है 4 फिट होती है, 4 फिट दे दिया, यहाँ पर आ जाए कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आए आपको ये नजर आ जाएगी।
अब अपने आप को मूव करें, यानी कि मूव सेलेक्ट एंटर कर दें, इसे एक पॉइंट दे दें। अब यहां पर फॉर्मूला शिफ्ट एट द रेट एक्स पे कुछ नहीं, वाई पे भी कुछ नहीं, यानी कि एक्स पे 0.03 फीट्स। जैसे मैंने इसको एंटर किया तो ये 3 फीट्स पर मूव हो चुका है। एस यू सब्ट्रैक्ट, इसको क्लिक करें, बाय निकल कर एंटर करें, वापस विंडो को सिलेक्ट करें, फिर एंटर कर दें। अब देखें आपके पास ये कट्स बना हुआ आ चुका है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ चुकी है। अच्छा हुआ ये प्रॉब्लम आ गई। अब वजह क्या है, कट्स तो मेरे पास बना हुआ आ चुका है लेकिन ये बैक साइड से मेरे पास परफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा इसलिए होता है, आई एम अभी आपको इसकी बेसिक ट्रिक बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। अगर मैं आपको ये व्यू यहाँ पे लेके जाऊं, देखें यहां से ये थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा ये शेप, तो इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये मुझसे बाय मिस्टेक हो चुकी है, मुझसे कोई मिस्टेक हो चुकी है। अब मैं इस मिस्टेक को कवर करने जा रहा हूं। आप राइट एंगल उठा लें, एक क्लिक इधर मैंने कर दिया इसको, और दूसरा क्लिक मैं इसको यहां पे कर देता हूं। ठीक है, EXT, मैंने इसको 4 फीट की हाइट दे दी है, फिर तो लेस मेरे पास ये शेप आ चुकी है। अब मैं कंफर्म कर लेता हूँ सबसे पहले कि आया मेरा पॉइंट ठीक तो है कि नहीं है। अब मेरे पॉइंट बिल्कुल ठीक है, देखें, लेकिन स्टिल मैं यहां से थोड़ा सा कुछ आगे आ रहा हूं। तो जब आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल कि आप कहीं यहां से कोई ना कोई आपके पास इफेक्ट आ रहा है इसका। बहरहाल इससे कोई इशू का प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है ऐसा। आप राइट एंगल उठा लें, मैंने एक पॉइंट ये दे दिया और इसके मुताबिक बाहर निकल आए, थोड़ा सा बाहर लाकर क्लिक कर दें और अपने आप को हल्का सा अंदर ले जाए यहां से। ये मैं इसको अंदर लेकर चला गया। अब दोनों तरफ से आप बाहर है, EXT करते हैं अपनी विंडो को, और मैं इसको वही 4 फीट की हाइट दे दी, मूव कर दें, पॉइंट दे दिया शिफ्ट एट द रेट x0 y0, जेड कितना है जमीन से ऊपर मुझे कितना लेके जाना है, एलिवेशन मैंने आपको क्या बताया था 3 फीट। ठीक है, यहां पर आ जाएं, su सबट्रैक्ट, दीवार है एंटर, विंडो है एंटर करते हैं। देखा, अब वो पॉइंट्स मेरे पास परफेक्ट बना, तो कट्स मेरे पास बना हुआ आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह से अगर आपके पास ये रोशनदान आ जाता है, जैसे अब आपके पास ये बाथरूम है, देखें ड्रेसिंग रूम के साथ वॉशरूम आ गया, अब इसको आप कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर भी आप REC राइट एंगल ड्रॉ करें, एक पॉइंट यहाँ ये रहा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे रहा, EXT सेलेक्ट एंटर। अब 2 से 3 फीट की इसकी हाइट होती है, मैंने इसको 2 फीट दे दिया, एंटर कर दें। अब अगर आप इसको देखें जाके शेड के अंदर, तो ये आपको यहाँ पर ऐसे नजर आएगा। अब इसको मूव करेंगे आप जमीन से, सेलेक्ट एंटर कर दें, एक पॉइंट दे दिया शिफ्ट एट द रेट x0 y0, जेड कितना है 7 फीट की हाइट पे है। su सब्ट्रैक्ट, ये दीवार है, इसको क्लिक करें, एंटर, सॉरी su सब्ट्रैक्ट, ये आपके पास दीवार है, क्लिक करें, फिर इधर क्लिक कर दें। देखें आपके पास इधर कट्स बना हुआ आ चुका है परफेक्ट। इसी तरह से एक आध और विंडो बना लेता हूँ थोड़े से डिफरेंट मेथड से। अब ये आपके पास है, इसके लिए फिर आप क्या करोगे, आप पॉलीलाइन भी यूज कर सकते हो अपने पास। 1, 2, 3, 4, सी से क्लोज कर दें, कंट्रोल एस, EXT सेलेक्ट एंटर, 4 फीट की हाइट आप दे रहे हो, मूव सेलेक्ट पॉइंट दे दें शिफ्ट एट द रेट x0 y0, जेड जो है वो है 3 फीट, मैंने इसको 3 फीट दे दी वैल्यू यहां पे। देखिए ये नजर नहीं आ रहा, यहां से नजर आ रहा है, su सब्ट्रैक्ट, दीवार है इंटर, विंडो है इंटर कर दे। देखा, अब आपके पास इधर प्रॉब्लम कोई भी नहीं है इस तरह की। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ये गोल विंडो होगी, इसको कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पे इसको कैसे क्रिएट किया जाएगा, इसके मुख्तलिफ मेथड हैं। चलिए मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। पहला तो है पॉलीलाइन, आप ले लें, सॉरी आर्क ले लें, आपने आर्क ले ली है यहाँ पे, पॉलीलाइन ले लें, आर्क ले लें, मैंने आर्क ले ली, एक पॉइंट दे दिया मैंने इसको, दूसरा पॉइंट दे दें और ये तीसरा पॉइंट मैंने इसको दे दिया। ठीक है, अब सिंपल एक और लाइन ले लें जो कि नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ से भी जो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, कंट्रोल एस कर दें। अब आप इसको अगेन
हाँक ले सकते हैं यहां पे एक पॉइंट ये रहा, या तो आप पुरानी वाली आर्क का ऑफसेट लगा दें पीछे 9 इंच पे। अब मैं आपको मुख्तलिफ इसके मेथड यहां बताने की कोशिश करता हूं। एक है आपके पास इसको बाहर उठाकर लाएं, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूं लाइनों को, 1 2 3 4 एंटर करें, एक पॉइंट दिया और दूसरा पॉइंट दे दें। मैं उठाकर इसको बाहर ले आऊं कंट्रोल एस। अब आप इसको रीजाइन या बाउंड्री या पॉइंट लाइन एडिट कोई भी आप कर सकते हैं। अब इसको ईएक्सटी कर दें सिलेक्शन के बाद 4 फीट इसकी हाइट। एक मेथड तो आपके पास ये बनता है। दूसरा जो मेथड है वो आपके पास पीई पॉइंट लाइन एडिट, 1 एक से ज्यादा लाइनें थी पीई में से, कहता हूँ एम से मल्टीपल लाइनें हैं, 1 2 3 4 एंटर किया यस और जे एंटर कर दें ज्वाइन के लिए, एंटर एंटर कर दें ऐसे। अब आप इसे क्लिक करें तो देखें आपके पास अगेन ये ग्रुप बना हुआ आ चुका है। इस तरह से आप इसको रीजाइन भी कर सकते हैं, लेकिन बाउंड्री करने के लिए क्या होगा वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के अंदर बताता हूँ। अगेन इसको भी एक्सट्री करें सेलेक्ट इंटर, मुझे ये 4 फिट से ऊपर लेके जाना है कंट्रोल एस और मूव करूंगा मैं इसे। मैंने एक पॉइंट दे दिया शिफ्ट एट द रेट x0 y0 z क्या है, मैं इसको 3 फिट की वैल्यू दे देता हूँ। मेरे पास ये आ चुका यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखें एस यू सब्ट्रैक्ट, इसमें से इस ऑब्जेक्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए आपके पास ये कट्स बना हुआ आ चुका है यहाँ। अब वापस इधर आ जाए। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा मेथड बताना चाह रहा था। आपके पास यहाँ पर वो विंडो बन रही है, यहाँ पे आप इन लाइनों को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने डिलीट की कंट्रोल एस बी और बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एंडिंग ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। ext मैंने इसको क्लिक किया एंटर कर देता हूँ और 4 फिट की हाइट दे देता हूँ, मूव कर देता हूँ, पॉइंट दे दिया शिफ्ट एट द रेट x0 y0 z क्या है, 3 फिट आपने इसको मूव किया। यानी कि जो आपने एलिवेशन के अंदर सोचा हुआ होगा वो आप इसको उतना वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने अब सब्ट्रैक्ट लगा दिया एस यू सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास ये परफेक्ट बना हुआ आ चुका है। देखिए नहीं स्टूडेंट्स, ये इस तरह के कट्स आपके पास बने हुए आ चुके हैं, और ये बल्कि जो कट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से आपको काम करना होता है 3D के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो जस्ट मैंने आपको कट्स बताए हैं बनाना और ऊपर से डोर को कवर करना बताया है। नेक्स्ट लेसन के अंदर मजीद इसी लेसन के ऊपर काम करेंगे, इसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाएंगे। आफ्टर इसके कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको सेम टू सेम एलिवेशन की तरह बनाने का मेथड बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ 3D के अंदर आपने कैसे काम करना है। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी तैयार करता DVDs या जो आपके लिए प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं जिसके एक एक CD के अंदर जिसके अंदर मोर देन 200 मैथ्स कलेक्शन मौजूद है, अगर वो आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपका मसला है, तो आप हमें इस ईमेल पर कॉन्टैक्ट करें xpacademy@ymail.com। हमारा स्काइप का आईडी है xpacademy और हमारी हेल्पलाइन है 03-43-901-7779 पे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।